तो दोस्तों, प्रिपरेशन डेज में आपका स्वागत है और मैं संजीव आपके सामने एक डिटेल्ड वीडियो लाया हूं एसएससी एमटीएस के उन अभ्यर्थियों के लिए जो एसएससी के एमटीएस एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और एसएससी के डिटेल्ड जानकारी के लिए उत्सुक हैं। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस मिले जिसमें वो एसएससी एमटीएस के बारे में जानना चाह रहे थे और आज के इस डिटेल्ड वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल आखिर होता कैसा है, करना क्या पड़ता है, डिटेल से मैंने हालांकि शॉर्ट्स बना रखे हैं यूट्यूब पर, लेकिन वो शॉर्ट्स बड़े कम समय के लिए होते हैं और उसमें सभी की चीज़ों को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है, आखिर किस इन्वायरमेंट में आपको काम करना पड़ेगा, क्या आपको फर्दर तैयारी करने का मौका मिलेगा भी या नहीं, कैसा इन्वायरमेंट होता है, आप उस चीज़ की जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। सैलरी पैसा रोकड़, ये चीज़ विटामिन एम जिसको बोलते हैं, ये कितना मिलने वाला है। उसके बाद प्रमोशनल एस्पेक्ट्स, क्या आप एमटीएस बनते हैं तो क्या एमटीएस में ही रिटायर हो जाएंगे या फिर ग्रुप ए तक भी जा सकते हैं, वो भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट है बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है, यहाँ पे DEPAR छूट गया है, सॉरी डिपार्टमेंट, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, आखिर ये जो चॉइस अभी आप भरने वाले हैं पोस्ट प्रेफरेंस, ये आपके करियर को बहुत बड़ा या तो बूस्ट देने वाला है या फिर हो सकता है कि आप एमटीएस बने थे और एमटीएस ही रिटायर कर जाएं। तो बेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ध्यान से चुनना है दोस्तों। सरकारी मकान के बारे में बड़े सवाल आते हैं कि किस तरह का सरकारी मकान मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या एलिजिबिलिटी होती है, किस तरह के नियम और कानून हैं, तो वो भी हम दोस्तों सरकारी मकान के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़, क्या आप हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में उसके लिए क्या आप एलिजिबल हैं, अगर एलिजिबल हैं तो किस तरह के हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं या किस तरह की हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है एसएससी एमटीएस में, वो भी जानेंगे। उसमें आपके लिए क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, आपकी फैमिली के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हैं, फैमिली में कौन कौन आ सकता है, क्या आपका मैरिड भाई या मैरिड बहन इसमें आ सकता है, वो भी जानने वाले हैं। और डिपेंडेंट जो कार्ड होता है वो भी हम जानने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं अपने 9 साल का एक्सपीरियंस, 9 ईयर्स में अपने प्रोफाइल की बात करता चलूं दोस्तों, अगर मेरी बात की जाए तो मैंने एसएससी 2012 में क्वालिफाई किया था। एसएससी 2012 का बैच से मैं 4 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और मोर देन 5 प्लस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम किया हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो 4.5 साल है इसमें, तो कई साल मैंने रिक्रूटमेंट सेल में काम किया है, बहुत सारे आप जैसे भाइयों के साथ मिला हूँ और उनके बहुत सारे क्वेरीज, स्क्रूटनी टीम के साथ बैठा हूँ, एज ए इन्विजिलेटर काम किया है, तो बहुत सारा नॉलेज मुझे इस डिपार्टमेंट ने दिया है और फिर 5 ईयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत सारा अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल्ड वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल के बारे में बहुत सारे सवाल आते हैं, जॉब प्रोफाइल आखिर करना क्या होता है, क्या बहुत सारे जैसे जो चीज़ें आप सुनते हो इंटरनेट पर, यूट्यूब पे, कि क्या मुझे पानी पिलाना पड़ेगा, क्या मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क दिया जाएगा, क्या मुझे फाइल्ड होना पड़ेगा, क्या मुझे डाक का मतलब कोई भी लेटर इधर से उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या सच्चाई है। तो दोस्तों, जो एमटीएस का जो प्रोफाइल है, जो इसका डिफिनीशन है, वो कहता है कि आप एक मल्टीटास्कर हैं। मल्टीटास्क यानी कि आपको कोई भी काम सौंपा जाता है बेस्ड अपॉन योर एबिलिटी, ये कोई नहीं बोलता है, बेस्ड ऑन योर एबिलिटी ये कहीं लिखा नहीं रहता है। अगर आपकी एबिलिटी पानी पिलाने वाली है, अगर आप कंप्यूटर नहीं जानते हो, अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो ऑब्वियसली आपको पानी पिलाने वाला वर्क दिया जाएगा, चूंकि आप मल्टीटास्किंग स्टाफ हो तो। लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है, अगर आपको कंप्यूटर आता है, अगर आप नोटिंग ड्राफ्टिंग कर सकते हो, अब ये नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं,
वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक डेस्क पे या आपको एक सीटिंग जॉब सीट पे बैठकर काम दिया जाएगा जो कि आप वहाँ पे कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल में अगर आपकी वो एबिलिटी है कि आप इतना संभाल सको, अगर आप अकाउंट्स का काम संभाल सको, अगर आप बिलिंग का काम संभाल सको, क्या आपको पता है जो सरकारी डिपार्टमेंट है उनका सारा का सारा अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है PFMS, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इस सॉफ्टवेयर को चला सको, ऑब्वियसली आपको सिखाया जाएगा, आपको आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आपको पहले से पता हो, ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा, तो क्या आप PFMS चला सकते हो, तो आपको ज़रूर अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्क दिया जाएगा। तो अगेन मैं बताऊं, जॉब प्रोफाइल कोई फिक्स नहीं है मेरे भाई। आपको यहाँ पे जॉब प्रोफाइल, अब आप किस तरह की एबिलिटीज़ रखते हो वो डिपेंड करता है आपके काम करने पे। नेक्स्ट जो मैं बात करता चलूँ वो है जॉब इन्वायरमेंट। जॉब इन्वायरमेंट का कहने का मतलब कि क्या मैं नेक्स्ट फर्दर तैयारी कर सकता हूँ या नहीं, फर्दर मेरे क्लासेस या फर्दर मेरे प्रिपरेशन चल पाएंगे या नहीं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि MTS एक ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिसमें आप अगर फर्दर तैयारी करना चाहो तो सबसे बेस्ट जॉब प्रोफाइल है। अगर आप फर्दर जॉब प्रिपरेशन, अगर जॉब प्रिपरेशन की बात करें तो आप UPSC वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी या फिर CGL जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो या नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हो। और MTS का एक ऐसा प्रोफाइल है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, जॉब प्रेशर नहीं दिया जाता है। तो अगर जॉब इन्वायरमेंट की बात की जाए तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के नॉलेज और आपके नॉलेज पर, अंग्रेजी के नॉलेज पर। अगर आप ये काम जानते हो तो आपको सिटिंग जॉब दिया जाएगा। सिटिंग जॉब, अगेन मैं बोलूं कि वो कम थकाने वाला होता है और आप फर्दर इस तरह के जॉब्स की तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हो। और मेरी समझ से तो MTS एक ऐसा जॉब है जो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो और एक बैकअप के साथ करना चाहते हो तो इससे बेस्ट कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को पहले आप क्वालिफाई करो, इसमें जॉब करो जिसमें कि आपको आराम से कुछ अपना बैकअप 25,000 रुपये के आसपास मिलता भी रहेगा और आप अपना फर्दर तैयारी भी करते रहोगे। तो इसके साथ आपको ये जॉब प्रिपरेशन में बड़ी आसानी होगी और आपको मज़ा भी आएगा। थर्ड मैंने देखा शुरू में जो लिखा था वर्क एनवायरमेंट, थर्ड है सैलरी। सैलरी दोस्तों, जी हाँ, सैलरी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आती हैं वो डिपेंड करता है कि आप काम कहाँ करते हो। अगर आप मेट्रो सिटीज़ में काम करते हो, मेट्रो सिटीज़ का मतलब अगर आप दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलोर, इन सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या बेंगलोर जैसे मेट्रो सिटीज़ में आप काम करते हो तो आपकी सैलरी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। और वो ज़्यादा वाली फैक्टर क्या है, वो आपको HRA ज़्यादा मिलता है। HRA का जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो तीन पार्ट्स में उन्होंने सिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है, ABC, ग्रुप X, Y और Z। X में वैसे सिटीज़ आते हैं जो कि टॉप क्लास के सिटीज़ हैं, लाइक ये वाले मेट्रो सिटीज़ ग्रुप X में। और ग्रुप X में जो HRA का रेट होता है वो 9, 18, 27% के हिसाब से आपको बेसिक पे का इतना परसेंट HRA मिलता है। और HRA का इतना बेसिक परसेंट का मतलब, अगर आपका बेसिक पे, अगर मान लेते हैं आपका बेसिक पे कुछ और है तो 9% आपको किसी सिटी में मिल रहा है, 18% किसी और सिटी में मिल रहा है और वही सबसे ज़्यादा इन मेट्रो सिटीज़ में मिलेगा। तो आपकी सैलरी फिक्स नहीं होती है, आपकी सैलरी मेट्रो सिटीज़ में ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा होगी। तो ये था बात सैलरी का। अगर सैलरी की बात करें तो आपका जो बेसिक पे स्टार्ट होने वाला है, बेसिक पे क्या होता है या सैलरी के जो
डिफरेंट कंपोनेंट कौन से होते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे जो इस चैनल में या चीज़ें को आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो नॉलेज आपको दिया जाता है दोस्तों, वो मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस का निचोड़ होता है और आपको यहाँ पे बहुत जो जानकारी दी जाती है वो जेन्युइन होती है, जो मैंने खुद लाइफ में फेस किया है, जो मैंने खुद बीइंग इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, समझा है, जाना है, उसके बाद आप तक पहुँचाया है। यहाँ पे कही हुई बातें, सुनाई हुई बातों पे ये वीडियोस नहीं बनते हैं। आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और मेरा ऐसा मानना है कि इस नॉलेज के बेस पे आप अपना करियर सुधारने वाले हो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट हो। तो अगेन सैलरी में बताता चलो, एचआरए पे डिपेंड करता है। एचआरए आपका अगर मेट्रो सिटीज़ में हो तो ज़्यादा मिलेगा और सैलरी फिर उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो मैं देखता चल रहा हूँ, प्रमोशनल एस्पेक्ट। दोस्तों प्रमोशनल एस्पेक्ट बहुत बड़ा फैक्टर है एमटीएस के जॉब प्रोफाइल के लिए। प्रमोशन, बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स रहेंगे जो कि एसएससी एमटीएस में ही रहेंगे और रिटायरमेंट भी एसएससी एमटीएस से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत डिपार्टमेंट चुन लिया। जी हाँ, डिपार्टमेंट चुनना एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज डिफरेंस है। आपके लिए मेरा ये सुझाव है। अब उस सुझाव के पीछे की कहानी मैं आपको बताता चलूँ। अभी हाल में मेरे ऑफिस में, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ऑडिट आया हुआ था, ऑडिट की टीम आई हुई थी और वहाँ की ऑडिट की टीम में मैंने देखा, मैं जानकर हैरान रह गया कि बहुत सारे ऐसे ऑडिट के टीम के मेम्बर्स थे जिन्होंने एसएससी एमटीएस के द्वारा ज्वाइन किया और अभी वो काम कर रहे हैं सीनियर एओ, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि एक ग्रुप ए पोस्ट है। ग्रुप ए, इन्होंने ज्वाइन कहाँ से किया था? ग्रुप सी से। अभी काम कहाँ कर रहे हैं? ग्रुप ए में। तो दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ग्रुप सी से ग्रुप ए, ये सब का सब कौन सा डिपार्टमेंट देने वाला है? वो देने वाला है अकाउंट्स। जहाँ पे भी आपको ये अकाउंट्स वाला, जिस भी डिपार्टमेंट में अकाउंट्स वाला वर्ड दिख जाए, वो समझिए बेस्ट है। आंख बंद कीजिए और कूद जाइए, वो डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड यू मस्ट चूज दैट डिपार्टमेंट। कौन सा? अकाउंट्स। अकाउंट्स में कौन कौन सा आता है? जैसे सीएजी के जो डिपार्टमेंट है जो ऑडिट करते हैं, सीजीडीए, इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे यहाँ तो इंटरनल ऑडिट विंग होता है, IAW, इंटरनल ऑडिट विंग होता है। तो आप इस तरह के डिपार्टमेंट पे नज़र रखें और अगर आपको ये डिपार्टमेंट मिल रहा है या आपने ऑप्ट किया है और ऑप्ट करने के बाद मिल रहा है, दोस्तों छोड़ना नहीं है। आपने नाम पे नहीं जाना है। किस पे नहीं जाना है? नाम पे नहीं जाना है कि कुछ डिपार्टमेंट दिखने में अच्छे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रमोशनल एस्पेक्ट बड़ा कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आपको ये जो डिफेंस अकाउंट्स हो गया या सीएजी हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स को चुन लेना है। अकाउंटिंग अकाउंट्स वाले जो डिपार्टमेंट हैं, इनको ही चुनना है, इनको ही ऑप्ट करना है और ये जो डिपार्टमेंट है ये बेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं प्रमोशन के लिए। हर एस्पेक्ट से प्रमोशन एस्पेक्ट तो होता ही है। दूसरा, इसमें आपको जो लाइफ मिलने वाला है, इसमें थोड़ा सा इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी, मैं अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की चर्चा जरूर करना चाहता हूं मैं आपसे। अगर आप अकाउंट्स चूज करते हो तो पॉजिटिव साइड क्या है, नेगेटिव साइड क्या है, मैं आपको बताता चलूँ। इसमें ना पॉजिटिव साइड में प्रमोशन काफ़ी अच्छा है, नेगेटिव साइड में आपका फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र रहेगा, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर का मतलब हर 3 साल बाद यूजुअली इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र। दूसरा, इसमें जो लाइफ रहेगी वो थोड़ा सा भागदौड़ वाली रहेगी। जैसे आप कभी ऑडिट करने दिल्ली जा रहे हो तो कभी कोचीन जा रहे हो तो कभी चेन्नई जा रहे हो तो कभी कश्मीर जा रहे हो तो कभी अरुणाचल प्रदेश जा रहे हो तो कभी गुजरात जा रहे हो, यानी अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हो
तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर हो सकता है। जैसे इसमें पोस्टिंग्स को लेकर, पोस्टिंग का मतलब आपकी जो ड्यूटी लगने वाली है, जो टेम्पररी ड्यूटी पे आप रहने वाले हो, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड हो सकते हो। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह आपने ध्यान से समझना है। पॉजिटिव साइड भी है, प्रमोशन तो अच्छा है। जहाँ पे भी आप ऑडिट करने जाओगे, ये जो डिपार्टमेंट है वहाँ रेस्पेक्ट पाता है बहुत ज़्यादा। भले ही मान लो, भले ही आप इन डिपार्टमेंट्स में एलडीसी के रूप में काम कर रहे हो, या फिर एमटीएस के रूप में काम कर रहे हो, या फिर छोटे पोस्टों पे काम कर रहे हो, लेकिन आपसे कई गुना सीनियर जो बंदा है वो आपकी रिस्पेक्ट करने वाला है, क्योंकि आप ऑडिट टीम के साथ हो और ऑडिट टीम के साथ सारे डिपार्टमेंट अपना तालमेल अच्छा ही बना कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ऐसा तालमेल बिठाना उनके भविष्य के लिए अच्छा है। अब क्यों अच्छा है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो ये जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स और ये एस्पेक्ट्स अकाउंट्स का है, तो मैं आपके लिए, ये मेरा सजेशन है, मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस आपको मैं बताता चलूँ, मोर देन 9 ईयर्स का, ये डिपार्टमेंट अगर एमटीएस के द्वारा आना है तो इसी में आना है। ये दूसरों के समझाए बुझाए वाले डिपार्टमेंट्स में ना जाएं, उधर ना फंसें। अगर इधर थोड़ा सा अच्छा लाइफ चाहिए तो यही चूज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था दोस्त, आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था बेस्ट डिपार्टमेंट, मैंने कर दिया सरकारी मकान जो है आपको मिलेगा या नहीं। सरकारी मकान, इस तरह के सवाल आते हैं कि सर बीइंग एन एमटीएस एम आई एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट अकोमोडेशन और नॉट, क्या मुझे सरकारी मकान मिलेगा भी या नहीं। 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि नाउ यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी से इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल योर रैंक, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल और रैंक, मैं फिर से बोलता चलूँ, जो भी आप रैंक पे काम कर रहे हो, चाहे वो एमटीएस हो चाहे वो आईएएस हो, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो सभी पे लागू होती हैं। का मतलब जो फैसिलिटीज़ एक आईएएस को मिल रही है वही फैसिलिटीज़ आपको भी मिलने वाली है, लेकिन जो उसका दायरा है वो कई बार आईएएस में बड़ा होता है, एमटीएस में छोटा होता है, ये फ़र्क है। जैसे अगर आईएएस को टाइप 7 का क्वार्टर मिल रहा है या टाइप 8 का क्वार्टर मिल रहा है, तो आपको टाइप 1 का क्वार्टर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो ये फ़र्क है, मिलेगा ज़रूर। टाइप 1 का सरकारी क्वार्टर होता है, और इसमें सरकारी क्वार्टर मिलने के बाद जो आपका HRA है, हाउस रेंट अलाउंस, वो नहीं मिलेगा। इसमें लाइसेंस फीस जो होता है वो आपको कटवाना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये दो चीज़ें कटती हैं, बाकी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब सरकारी मकान आप जहाँ पे भी ऑप्ट करना चाहें, वो आपके सीनियरिटी के आधार पर मिलती है। अब सीनियरिटी कैसे बनाते हैं? सीनियरिटी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आधार पर बनती है। अगर आपने ज्वाइन किया है, मान लेते हैं कि एक जनवरी 2022 को ज्वाइन किया है, और आपके किसी जूनियर ने 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन किया है, तो आपकी सीनियरिटी इससे ऊपर होगी, आप सीनियर रहोगे और ये आपसे जूनियर रहेंगे, तो आपको पहले मकान मिलेगा इसकी तुलना में। तो ये है गवर्नमेंट अकोमोडेशन का रूल। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में ज़रूर डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। नेक्स्ट, सरकारी मकान, हेल्थ फैसिलिटीज़। सरकारी मकान में या सरकारी नौकरी में हेल्थ फैसिलिटीज़ की क्या स्थिति है दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ। हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी ना, गवर्नमेंट आपको अपने जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उसको दो तरीके से प्रोवाइड करती है। एक प्रोवाइड करती है CGHS कार्ड के द्वारा, और दूसरी प्रोवाइड करती है AMA के द्वारा।
AMA और CGHS। अब CGHS क्या है? CGHS का फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और AMA का फुल फॉर्म है ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। अगर आप चाहें तो मैं लिख भी दूंगा, बट ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा इसलिए लिख नहीं रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और इसका फुल फॉर्म है AMA का ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। क्या है, जैसे अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे अगर सेक्टर्स डिवाइड हुए हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के सेक्टर्स उन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो CGHS कार्ड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में रहते हैं तो CGHS का जो बेनिफिट है वो सभी सेक्टर्स पे लागू नहीं होता है। अगर आप किसी, मान लीजिए सेक्टर 5 में रहते हैं, सेक्टर 5 में, अगर आप सेक्टर 5 में रहते हैं और वहाँ पे CGHS कार्ड की फैसिलिटी नहीं है तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये फैसिलिटी है क्या। ये फैसिलिटी, आप सरकारी नौकरी में रहते हुए आप CGHS कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और एक कार्ड आपको मिलता है, गवर्नमेंट ऑफिस लिख कर देता है कि यस ही और शी इज़ आवर एम्प्लॉय, ही इज़ वर्किंग और शी इज़ वर्किंग ऑन दिस जॉब प्रोफाइल और यू मे इशू अ CGHS कार्ड टू हिम और हर। तो जैसे ही आपका सरकारी ऑफिस ये लिख कर देगा, आपको CGHS कार्ड इशू हो जाएगा और वो कार्ड आपको जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है। अब अप्रूव्ड हॉस्पिटल का मतलब क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब उसमें भारत के नामी गिरामी जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो हो गया, मैक्स हॉस्पिटल्स हो गए, इस तरह के, और इसके अलावे भी जो नामी गिरामी, ये तो मैं आपको टॉप के हॉस्पिटल्स बता रहा हूँ, इसके अलावे जो लेस नोन हॉस्पिटल्स हैं उन, वो भी बहुत अच्छे होते हैं और ये भी आते हैं। जैसे ही आपके पास कोई बीमारी आई, आप बीमार हो गए, आपके पास कोई मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो आप सबसे पहले अपना कार्ड लेकर जाओगे कहाँ, CGHS का डिस्पेंसरी में। वहाँ से आपको रिफ़र कर दिया जाएगा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर उनको लगता है कि ये रिफ़र का केस है तो। और वहाँ पे, जहाँ पे भी आपको, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी CGHS का रेट होता है, रेट, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल रेट उनका 600 का है इलाज का किसी भी बीमारी का, तो आपका जो रेट है वो 100 रुपये, इतना फ़र्क होगा। आप 100 रुपये इनको पे करेंगे और अपने ऑफिस में से बाद में ये रुपया या ये पैसा जो आपने खर्च किया है वो रिम्बर्सेबल होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं और इस तरह के बेनिफिट्स उठा सकते हैं CGHS कार्ड के द्वारा। ये तो बात हुई CGHS की फैसिलिटी। जिन सेक्टर्स में, जैसे सेक्टर 5 में, सेक्टर चंडीगढ़ के सेक्टर 5 में, मान लेते हैं, इमेजिन, ये सच नहीं भी हो सकता है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कि सेक्टर 5 में CGHS कार्ड की फैसिलिटी नहीं उपलब्ध है, तो आपको एक फैसिलिटी और मिलता है AMA का ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल एक लिस्ट जारी करती है ऑथोराइज्ड डॉक्टर्स का, और वो डॉक्टर्स के पास आप जाते हो, इनकी फीस होती है कंसल्टिंग, कंसल्ट जो करने का फीस है वो 100 रुपये होता है, आप 100 रुपये पे करते हो और वो कुछ दवाएं लिखते हैं, वो दवा आप खरीद कर घर ले आते हो। और मान लीजिए कि उन दवाओं का जो कॉस्ट बना 700 रुपये, आपने अपने ऑफिस में 800 रुपये का रिम्बर्समेंट का बिल डाल दिया और आपके खाते में 800 रुपये पहुँच गए। तो ये होता है AMA। यूजुअली ये आपके घर के नज़दीक होता है और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट होती है जो कि आपको सस्ते दाम पर कंसल्टेंसी, या आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द फैसिलिटीज़ दैट यू कैन अवेल अंडर AMA ऑथोराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट रूल। हेल्थ फैसिलिटीज़ में अब मैं बताता चलूँ कि डिपेंडेंट कार्ड और आपका सेल्फ कार्ड और डिपेंडेंट कार्ड कैसा बनता है, किस तरह की फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। तो याद रखें, अगर आप, इफ़ यू आर मैरिड, तो डिपेंडेंट कार्ड जो है वो आपका होगा, सेल्फ आपकी वाइफ या हस्बैंड का होगा,
वाइफ या हस्बैंड का होगा और बच्चों का होगा, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रेन, चाइल्ड या फिर चिल्ड्रेन। इफ यू आर मैरिड देन ये होगा। अगर अब इसमें से क्या माँ बाप भी कवर होते हैं, तो बिल्कुल कवर होते हैं। अगर आपके माता या पिताजी कहीं और काम नहीं कर रहे हैं, इफ़ दे आर नॉट वर्किंग एंड दे आर जस्ट हाउस वाइफ और फार्मर्स, दे कैन ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन यू। वो अपना हेल्थ का जो इशू है, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज उठा सकते हैं आपके डिपेंडेंट बनकर। तो दोस्तों ये है हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। इसके अलावा जो भी आपके पास क्वेरीज है वो आप मेल कर सकते हैं मुझे, मुझे बता सकते हैं, मैं उसका कमेंट में ज़रूर आंसर दूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ये जो आपको जानकारी मिल रही है ये आपके करियर को बहुत ही डीपली अफेक्ट करने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक था दोस्तों, हेल्थ फैसिलिटीज़। तो बस आज के लिए इतना ही ये टॉपिक्स थे। आप अपने फर्दर कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि किस और भी कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है, किन कन्फ्यूजन्स को दूर करना है, उस पर मैं वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। चलते हुए मैं बताता चलूं, जॉब की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए और इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। अब इन्फॉर्म्ड डिसीज़न का मतलब ऐसा डिसीज़न जिसके बारे में आपको आपने अच्छे से रिसर्च कर लिया है, जिसके बारे में अच्छे से जान लिया है, वैसा डिसीज़न। और वो जो डिसीज़न, इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेने वाले आप बनेंगे, तो इससे पहले ये ज़रूर सुनिश्चित करें कि जहाँ से भी आपने वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन पक्की है। तो इन्हीं दुआओं के साथ धन्यवाद। प्रिपरेशन डेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।